अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को सीक्रेट पेमेंट देने के आरोप में केस चलाए जा रहे हैं। 4 अप्रैल को इस मामले में ट्रंप की मैनहट्टन कोर्ट में पेशी हुई। अब इस मामले पर अगली सुनवाई दिसंबर में होगी, लेकिन इसी बीच स्टॉर्मी डेनियल्स के बयान ने हलचल मचा दी है। स्टॉर्मी डेनियल्स ने फॉक्स न्यूज को दिए 90 मिनट के इंटरव्यू में इस पूरे मामले पर बात की। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ट्रंप के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होंगे और उन्हें आरोपी ठहराया जाएगा। स्टॉर्मी ने फॉक्स न्यूज के पियर्स मॉर्गन अनसेंसर्ड शो में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ट्रंप को इस मामले में दोषी ठहराया जाना चाहिए। इस मामले में ट्रंप जेल की सजा के हकदार नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ट्रंप ने मेरे साथ जो किया उसके लिए वो जेल की सजा के हकदार है, लेकिन अन्य मामलों में उन्हें दोषी ठहराने पर बेशक उन्हें सजा होनी चाहिए। बता दें कि ट्रंप के घर पर व्हाइट हाउस के खुफिया दस्तावेज होने और 6 जनवरी को कैपिटल में हुए दंगों में उनकी भूमिका को लेकर भी जांच की जा रही है। स्टॉर्मी से ये पूछने पर कि ट्रंप को कोर्ट में देखने पर कैसा लगा, इस पर स्टॉर्मी ने जवाब दिया कि मैं हैरान थी। मुझे लगता था कि इतना कुछ होने के बाद भी उनका बाल तक बाका नहीं होगा, लेकिन अब राजा को गद्दी से उतार दिया गया है। ट्रंप को लगता था कि उन्हें कोई छू तक नहीं सकता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपने जो किया है उसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इस इंटरव्यू के दौरान स्टॉर्मी डेनियल्स ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वो गवाही देने से भी पीछे नहीं हटेंगी। हालांकि ये मुश्किल काम है, लेकिन मैं खुशी खुशी मामले की सुनवाई के दौरान गवाही दूंगी। मैं पीछे नहीं हटूंगी क्योंकि मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं है। अब तक सिर्फ मैं ही हूँ जो सच बयां कर रही हूँ। मुझे गवाही देने के लिए बुलाने पर मेरे बयान को ही वैधता मिलेगी। बता दें कि फॉक्स न्यूज के साथ स्टॉर्मी डेनियल्स का यह इंटरव्यू पहले किसी और समय पर शूट होना था, लेकिन उन्होंने सुरक्षा कारणों से इंटरव्यू के समय में फेरबदल किया। स्टॉर्मी ने बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। हर 10 में से एक मैसेज ऐसा ही होता है। उन्होंने बताया कि मुझे फोन कर भी धमकियां दी जा रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि स्टॉर्मी डेनियल्स और ट्रंप का यह मामला आखिर है क्या। वैसे तो ये मामला साल 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान का है, लेकिन ट्रंप और स्टॉर्मी की कहानी शुरू होती है साल 2006 से। इसी साल की गर्मियों में नेवादा में चैरिटी बेस्ड सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट हुआ था। यहीं ट्रंप स्टॉर्मी से मिले थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने टूर्नामेंट के बाद स्टॉर्मी को अपने होटल में बुलाया था। स्टॉर्मी जब कमरे में पहुंची तो ट्रंप ने उन्हें टीवी पर शो में लाने का वादा किया। स्टॉर्मी का कहना है कि इस दौरान दोनों फिजिकल हुए थे। उस वक्त ट्रंप की उम्र करीब 60 साल थी और स्टॉर्मी 27 साल की थी। हालांकि ट्रंप स्टॉर्मी डेनियल्स के दावों को हमेशा नकारते रहे हैं। स्टॉर्मी के मुताबिक इन्हीं संबंधों को छिपाने के लिए ट्रंप ने सीक्रेट तौर पर स्टॉर्मी को अपना मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए, ताकि स्टॉर्मी के ये खुलासे उनके राष्ट्रपति बनने की राह में रोड़ा न बने। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने साल 2016 राष्ट्रपति चुनाव के कैंपेन के दौरान स्टॉर्मी डेनियल्स को $130,000 दिए थे। तो इन स्टॉर्मी डेनियल्स के बारे में हम आपको बता दें कि इनका असली नाम स्टेफनी ग्रेगरी क्लिफोर्ड है। अडल्ट फिल्मों के स्टार स्टॉर्मी का जन्म 17 मार्च 1979 में लुइसियाना में हुआ था। बचपन में उनके माता पिता का तलाक हो गया, जिसके बाद उनकी मां ने ही उन्हें पाला था। स्टॉर्मी ने हाई स्कूल के दौरान ही पैसा कमाने के लिए स्ट्रिप क्लबों में काम करना शुरू कर दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब स्टॉर्मी 9 साल की थी तब उनका यौन शोषण भी किया गया था। साल 2000 में स्टॉर्मी मेन स्ट्रिप डांसर बन चुकी थी। बचपन में उनके माता पिता का तलाक हो गया, जिसके बाद उनकी मां ने ही उन्हें पाला था। स्टॉर्मी ने हाई स्कूल के दौरान ही पैसा कमाने के लिए स्ट्रिप क्लबों में काम करना शुरू कर दिया था। साल 2000 में स्टॉर्मी मेन स्ट्रिप डांसर बन चुकी थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात डेवॉन मिशेल से हुई। मिशेल ही उन्हें अडल्ट फिल्मों की ओर ले गई और इसके बाद डेनियल्स की अडल्ट फिल्म अमेरिकन गर्ल्स 2 आई। स्टॉर्मी कई फेमस मैगजीन के लिए भी शूट कर चुकी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉर्मी के साथ बचपन में यौन शोषण भी हुआ था। अब एक बार फिर से स्टॉर्मी सुर्खियों में है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी, जहां ट्रंप को पेश होने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।